स्वच्छता एक जिम्मेदारी। चुटकी, आज मेरे घर पर खेलते हैं। ठीक है गप्पी, चलो। आंटी, आप ये क्या कर रहे हो? अपना घर साफ। लेकिन अब खाना खाकर कचरा बाहर क्यों फेंक रहे हो? कूड़ेदान में फेंकिए, इससे तो सड़क गंदी हो रही है। हाँ, लेकिन सड़क साफ करने का काम तो सफाई कर्मचारी का है ना? वैसे भी एक इंसान के करने से क्या होता है? अरे, मुझे शौच जाना है। कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं दिख रहा है। क्या खुले में शौच करूँ? अंकल, खुले में शौच करने से कई बीमारियाँ फैलती हैं। हाँ बेटा, लेकिन जी अंकल, हमें पता है आप क्या कहने वाले हैं। क्या? वैसे भी एक इंसान के करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। गप्पी, गप्पी। कौन? मैं, कूड़ेदान। तुम बोल सकते हो? हाँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कोशिश करूँगा। बताओ, क्या मदद चाहिए? आजकल लोग मुझ में कूड़ा डालते ही नहीं हैं। सब यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे कूड़ा चाहिए। चुटकी। हाँ गप्पी। तुम कहाँ जा रही हो? गांव में बहुत गंदगी हो गई है, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम कहीं और जा रहे हैं। टिंकू, तुम्हें क्या हुआ? खास क्यों रहे हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है गप्पी। मैं जानती हूँ, तुम्हारी तबीयत गंदगी की वजह से खराब हुई है। कूड़ा गंदगी। नहीं। क्या हुआ गप्पी? दादाजी, आज मैंने देखा कि लोग अपने आसपास की जगह को गंदा करते रहते हैं और सब ये कहेंगे कि मेरे अकेले के साफ सफाई रखने से क्या होगा, तो ऐसे कभी कुछ नहीं होगा। समझ सकता हूँ गप्पी, और मुझे खुशी है कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो। पर दादाजी, ये जिम्मेदारी हम सबको समझनी चाहिए। हमें कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर हम अपने आसपास की जगह को साफ नहीं रखेंगे तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। बिल्कुल सही चुटकी। और खुले में शौच करना भी तो गलत है। बिल्कुल सही गप्पी, हमें पब्लिक शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे हम अपने घर को साफ सफाई रखते हैं, वैसे ही अपने अड़ोस पड़ोस, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि को भी साफ रखना चाहिए। दादाजी, मैं देश में स्वच्छता बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दूंगी। हाँ, और हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बहुत खूब बच्चों, हम सबको एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए और देश को स्वच्छ रखने में योगदान देना चाहिए। हाँ, और इससे सिर्फ हमारा नहीं, कूड़ेदान का भी फायदा होगा, उनको भी कुछ खाने को मिलेगा। क्या कहा तुमने गप्पी? मैंने कुछ नहीं। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे अपने आसपास सफाई रखना कितना जरूरी है। आप भी अपने दोस्तों के साथ बात करें और उन्हें बताएं कि हम अपने आसपास सफाई कैसे रख सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।